सिंगरौली में शासकीय स्कूल करथुआ लंबे समय से अतिक्रमण का शिकार है, जिस पर आपत्ति जताते हुए स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि स्कूल के पास अतिक्रमणकारियों ने गुटखा चाय की दुकान लगा रखी है, जिससे स्कूल का माहौल खराब होता है। कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। सिंगरौली के विकासखंड चितरंगी के शासकीय स्कूल करथुआ कई समय से अतिक्रमण का शिकार है, जहाँ बाउंड्री वॉल के बाहर अतिक्रमणकारियों ने टीन टपरी डालकर गुटखा और चाय की दुकान खोल रखी है। स्कूल की प्राचार्य का कहना है, स्कूल के गेट पर दुकान स्थित होने के कारण बच्चे छुट्टी होते ही दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं और छुट्टी होते ही भीड़ लग जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है व दुर्घटना होने की आशंका भी रहती है, जिसके संबंध में उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार इसकी सूचना भी दी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं प्राचार्य ने यह भी बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा बाउंड्री वॉल के अंदर कचरा एवं गंदगी फेंकी जाती है, जिससे स्कूल में बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करथुआ बहुत परेशानी होती है आने जाने। हाँ, गंदगी बहुत यहाँ पे स्कूल के अंदर और बाहर से फेंक भी देते हैं, बहुत प्रदूषण भी होता है। हाँ, बाउंड्री वॉल से अतिक्रमण किया गया है और काफी परेशानी हो रही है विद्यालय को। ये बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत खड़ी होती है और ये तमाम कचरा और गंदगी करते हैं। ये पूरा 50 कवर कर लिया हमने, तो वो लेख लिखा, कई बार लेख लिखा और सूचना दिया कि आप लोग इतने यहाँ से हटा लिए, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।